लड़की तो बहुत सीधी है, अगर ठाकुर साहब रिश्ता मंजूर कर ले तो। मेरी शल्लो तो देवी है देवी, बाकी आपके हाथ में है पुरोहित जी। जी हाँ, आप चाहें तो सब काम बन जाए। क्यों नहीं चाहूंगा मैं, जरूर चाहूंगा। मेरी तो पक्की हाँ समझो। उठिए पुरोहित जी, हाथ धो लीजिए। जी जी जी। हे भगवान, तू जल्दी ही सुन ले मेरी शल्लो की। ओम भगवते वासुदेवाय। लडाल बेटा, बस बेटा बस बस बस। ये भोली सी लड़की कौन है? लीला, ये मेरी भतीजी। अच्छा अच्छा। बेचारी के माँ बाप बचपन में ही इसे छोड़ गए, मैंने बेटी की तरह इसे पाला। अच्छा अच्छा। न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। शल्लो की माँ, लीजिए पुरोहित जी। ला बेटा ला, मुंह मीठा कीजिए। बड़ा स्वादिष्ट हलवा है, किसने बनाया है? मेरी शल्लो के हाथ का बनाया हुआ हलवा खाएंगे पुरोहित जी तो पांचों उंगलियां निकल जाएंगे। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, सुबह इसी के हाथ का बना हुआ हलवा खाऊंगा। पर माँ, मुझे कहा था हलवा बनाना। देखा पुरोहित जी, मेरी बेटी का नेक स्वभाव, अच्छे से अच्छा पकवान बनाती है, फिर भी कहती है मुझे हलवा बनाने नहीं आता। और लीजिए ना। हाँ बेटी, डाल दे, सब डाल दे, ऐसा तरमाल रोज थोड़ा ही मिलता है। खाइए खाइए पुरोहित जी, शर्माइए नहीं। मैं ऐसे कामों में नहीं शर्माता हूँ, और फिर खाने पीने में क्या शर्म। डाल दे बेटा, मैं सब खा जाऊंगा। रात को पुरोहित के आगे मैं गुस्से में चुप बैठी रही, लेकिन अब बता क्या बात है चाची? क्या बात है, जरा उस बाभन ने हलवे की तारीफ कर दी तो सारी कड़ाही का हलवा उसके थाली में उड़ेल दिया, न मैंने चखा न मेरी शल्लो ने। वो शल्लो की ससुराल के पुरोहित थे इसलिए। अरे जन्म जली, तेरे बाप की कमाई थी जो इस तरह लुटा दी। चाची मुझे जो जी चाहे कह लो, लेकिन मेरे बाप को तुम तो फिर गुन गाऊं उसके, खुद तो मर गया, अब तुझे छोड़ गया मेरी छाती पर मुंह की दाल डालने के लिए।
अरे भगवान, क्यों दिन चढ़ते ही डांट रही हो गरीब को? फिर और क्या करो? अरे नहा धोकर शांति से राम राम की माला जपो। माला जप लूंगी, माला भी बहुत उम्र बाकी है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं शल्लो की माँ, जाने कब बुलावा आ जाए। सब ठाट धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। अपनी भतीजी से चिढ़ के मेरा बुरा चाहोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बेचारी सुबह से लेकर आधी रात तक चुपचाप अपने काम में जुड़ी तो रहती है, मगर इस पर मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, मैं उसे नहीं देख सकती। हाँ पुरोहित जी देख तो गए हैं दोनों लड़कियों को, भगवान करे लीला का ही रिश्ता ठीक हो जाए। और अरे मुंह धो रखो, रिश्ता तो मेरी शल्लो का ही ठीक होगा। ये सब संजोग के अख्तियार में है शल्लो की माँ। संजोग तो मेरी शल्लो के बलवान है, उस फूटी तकदीर वाली लीला को कौन पूछेगा। अरे मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द ही तेरा ब्याह हो और मैं तेरे साथ चली जाऊँ। क्यों? यहाँ तो मेरी वजह से रोज चाचा चाची में झगड़ा होता है, और तो मेरा कोई ठिकाना नहीं। मुझे ले चलोगी ना अपने ससुराल? ना बाबा, वो बड़े लोग हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर शर्मिंदा नहीं होना चाहती। क्यों? तुम्हें देखकर जब वहाँ के लोग कहेंगे कि ये फटे हाल मेरी चचेरी बहन है, तो क्या शर्म से मेरी गर्दन नहीं नीचे होगी? तो तुम मुझे अपनी बहन ना कहना, दासी कहना, और जब उन्हें मालूम होगा कि तुम अपने जहेज में एक दासी भी लेकर आई हो तो तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। सोचूंगी। शल्लो की माँ। अरे ओ शल्लो की माँ, आई आई। ये देखो चिट्ठी आई गोपालपुर से। हाँ, रिश्ता मंजूर हो गया। लो सुनो। ठहरो, पहले गुड़ ले आओ, फिर सुनती हूँ सारी बातें। जय विश्वनाथ। तीस घंटे मगर बर्तन सफा कर रही है। ये गुड़ कहाँ ले जा रही हो माँ? बेटी, तेरे बापू का मुंह मीठा कराने के लिए। ए ले, पहले तू मुंह मीठा कर। गोपालपुर से चिट्ठी आई है। अच्छा, तब तो तेरे संजोग बड़े बलवान है शल्लो। शल्लो शल्लो क्या है? अच्छा भला नाम है कौशल्या। कौशल्या क्यों नहीं कहती? तुम भी तो उसे शल्लो कहती हो चाची। अरे मैं उसकी माँ हूँ, चाहे कुछ भी कहूँ, लेकिन तू आज से इसे कौशल्या रानी कहा कर, समझी? गोपालपुर वालों ने इसका रिश्ता मंजूर कर लिया है, मेरी बेटी सारे गांव की रानी बनकर रहेगी, जानती है? अब तुमने मुझे शल्लो कहा तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी, और अगर कौशल्या कहूँ तो तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। कौशल्या महारानी कहूँ तो तुम्हें अपनी दासी बनाकर ससुराल ले जाऊंगी। लो मुंह मीठा करो। हाँ, अब सुनाओ पूरी चिट्ठी। लीला बड़ी तकदीर वाली है, रानी बनकर राज करेगी। राज? गुड़ खा के लगे भागने? अरे वो क्या बनेगी रानी, राज करेगी मेरी शल्लो। आंखें खोलकर दोबारा पढ़ो चिट्ठी। चिट्ठी तो मैं दो बार छोड़ चार बार पढ़ चुका, और हर बार यही पढ़ा कि पुरोहित जी ने लीला के रूप और गुण की बहुत तारीफ की। लीला में क्या खाक रूप और गुण धरा है, वो तो मेरे शल्लो के पांव की जूती के बराबर भी नहीं। कसूर सारा पुरोहित जी का है कि उन्होंने लीला और शल्लो को तुम्हारी आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखा है। पुरोहित को तो मैं कहीं पा जाऊं तो उसे कच्चा चबा जाऊं। मैंने तुमसे चोरी चांदी के 50 रुपए दिए उस निगोड़े को, इसलिए कि मेरे शल्लो की सिफारिश कर दे। कल मुहा एक एक करके गिनता रहा, रे रे करता रहा, वहां जाके उल्टी पट्टी पढ़ा दी। ये बात है तो तुमने रिश्वत भी दी थी पुरोहित जी को। तुम माँ होते तो समझते कि अपनी औलाद के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। लीला भी तो अपनी ही औलाद है, भाई की लड़की क्या और अपनी लड़की क्या। तुमने नाहक 50 रुपए चांदी के बर्बाद कर डाले, मुझे दूसरी फिक्र लग गई। तुम इसकी चिंता ना करो, ये 50 रुपए तो पुरोहित का गला दबा के मैं वसूल कर लूंगी। मेरा नाम रंगीली बाई है। हाँ तो अब चली कहाँ? पूरी चिट्ठी तो सुन लो। ला दो चिट्ठी, फाड़ के चूल्हे में फेंक दो। है और शल्लो के ब्याह की जो ये चिट्ठी होती तो इसे चूम चाट कर अपनी आंखों से लगाती। अब इस बेचारी पर क्यों गुस्सा उतार रही हो, गिरी गधे से और गुस्सा कुम्हार पर? तुम चले जाओ जी, मुझे ताव दिलाओगे तो मैं कुछ कर बैठूंगी। बेटी लीला और शल्लो, तुम लोग जरा बाहर जाओ। तो मैं तो यह कर लो जो कुछ तुम करना चाहो।
अरे ये तो धांस किस पर जमाते हो, मैं तुमसे कुछ डरने वाली नहीं हूँ समझो। अरे भगवान, मैं तुमसे झगड़ा लड़ाई नहीं करने आया, मुझे तो तुमसे एक सलाह लेनी है। गोपालपुर वालों ने इसी महीने ब्याह मांगा है। मैं नहीं दूंगी कोई सलाह फला, तुम जानो और तुम्हारा काम लो। पर ठाकुर साहब गरीब घर की लड़की क्यों पसंद करते हैं, खानदान में भी कोई बुराई नहीं। फिर बात यह है श्यामू की माँ, कि ठाकुर साहब ऐसी बहू ब्याह के लाना चाहते हैं जो इनकी बेटी को सारी जिंदगी अपने कलेजे से लगा के रखे। हाँ, तो क्या जमुना सारी उम्र मायके में बैठी रहेगी? और क्या, न तो उसका मर्द ही उसे ले जाना चाहता है और न ठाकुर साहब जी अपनी बेटी को विदा करना चाहते हैं। क्यों, न जाने क्या मैल आ गया है दोनों के दिलों में। जमुना खुद भी जाना नहीं चाहती बापू, कहती है कुएं में डूब मरूंगी पर ससुराल नहीं जाऊंगी। हाय राम, तुझसे किसने कहा श्यामू? जमुना ने मुझे खुद, मैंने सुना है किसी से बापू। तो दोस्त सारा जमुना का है, जब वही अकड़ कर बैठी है तो बाप बेचारा क्या कर सकता है। अरे भाई हमें क्या मतलब, जमुना यहाँ रहे या ससुराल जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है बापू, मैं रोज उसे कथा सुनाने जाता हूँ तो कुछ ना कुछ देती रहती है, ससुराल चली गई तो आमदनी बंद हो जाएगी। देखा मेरा लड़का कितना होशियार है, तुम लड़कियाँ देखने तो गए ही थे, मेरे शामू के लिए अभी कोई लड़की देखनी थी। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों रे? बस यूं ही। अच्छा मैं चला ठाकुर की हवेली जमुना को कथा सुनाने। हाँ बेटा जा। चाचा जी, चाची का दर्द के मारे सर फटा जा रहा है, मैं दबाने लगी तो मुझे परे हटा दिया, वैद्य से कोई सर दर्द की दवा ले आइए ना। उनके सर में दर्द नहीं है बेटा, दिल में है, अब वो अपने आप चला जाएगा जब तू अपने घर चली जाएगी। अपने घर? हाँ बेटी, इसी बात का तो सारा फसाद है, गोपालपुर वालों ने शल्लो के बजाय तुम्हारा रिश्ता मांगा है। तो आप ना कर दीजिए। क्यों? वो बड़े लोग हैं, मैं यतीम और गमार, जिस गाड़ी का एक पहिया ऊंचा और दूसरा नीचा हो वो एक दिन भी नहीं चल सकती। गरीब और अमीर का रिश्ता ना निभा तो निभेगा कैसे? नहीं, तुम्हारा हाल वो अच्छी तरह जानते हैं, और फिर भगवान का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है, उन्हें दान दहेज का कोई लालच नहीं। और चाचा जी, बेटी अपने ससुर और पति की सेवा करना, उनकी खुशी और इज्जत के लिए अपनी जान तक की परवाह न करना, यही एक अच्छे कुल की लड़की का फर्ज है। चाचा जी, बेटी मुझे जल्दी तो अपनी आंखों से दूर करना नहीं चाहते ना? बस इसी महीने तेरा ब्याह करना होगा बेटी, मेरे स्वर्गवासी भाई और भावज की आत्मा कितनी खुश होगी जब ठाकुर साहब की हवेली में उनकी बहू बनकर तू डोली से उतरेगी। आओ भाभी, आओ ना, बधाई हो जमुना रानी। तुम्हें भी, कितनी अच्छी है मेरी भाभी। चलो। अरे बहू, तुम्हारी चाची तो बड़ी जबरदस्त निकली, भरी बारात में मेरे पुरोहित जी के घी पड़ गई, हाथा पाई तक की नौबत आ गई। अच्छा बात क्या थी पुरोहित आयन? मेरी जाने बला, मेरे पुरोहित जी ने कह सुन के रिश्ता ठीक किया, वो उन्हीं के गले पड़ गई। अच्छा, ये बात तो पुरोहित जी ने मुझे अभी बताई है। वो बहू की चाची ही तो है। एकदम भागने को तैयार हो गए, कहने लगे कि जब चाची इतनी जबान दराज और मर्दाना है तो लड़की क्या कम होगी। गले की जयमाल उतार कर वो फेंकी और बोले मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीवी। पर बहे, मैं दोनों आंखों से देख रही हूँ। राम राम, वो चाची है या दुश्मन, फेरे पड़ी बहू वही रह जाती तो इसकी जिंदगी न बर्बाद हो जाती। वो तो इसी बात पर तुली हुई थी। बीच बिरादरी मेरे पुरोहित जी ने अपनी जेब में से चांदी के 50 रुपए निकाल कर दिए, तब वो बला टली। अरे ना बहू, रोना बस कर बेटा। जमुना कहाँ गई, थोड़ी देर तो बहू के पास बैठती। देखती हूँ। अरे बेटी, अब तुम्हें कहाँ का फिकर है? पिताजी को शायद कुछ शक हो गया कि मैं तुमसे छुप छुप के मिलती हूँ, इसलिए उन्होंने झटपट भैया का ब्याह एक यतीम लड़की से कर दिया। वो तो चुप है, अगर भैया को पता चल गया तो मुझे गोली से उड़ा देंगे। तो चलो कहीं भाग चले। जमुना, ओ जमुना, जमुना क्या है हुआ? चलो ना, बहू के पास जाकर
कुछ नहीं, भाभी की स्वाद सेठ के लिए थोड़ी सी कलियां चुन रही थी, अभी आई। वाह 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 वाह, ननद हो तो ऐसी हो, भाई भावज की ब्याह का कितना चाव। एक तो मेरी ननद है, मुझे देखते ही फूल तो अब कुप्पा हो जाती है, लियोड़ी मेला घूमनी नहीं तो। अब मुझे जाने दो शाम। अच्छा, मैं फिर आऊंगा रात को, ब्याह की खुशी में जलसा है ना, सब मर्द और औरतें उधर होंगी, तुम बहू के पास रहना, मैं सीटी बजाऊंगा, तुम फौरन चली आना, फिर सोचेंगे कि क्या करना होगा। अच्छा, अब तुम जाओ। है तो तुम्हें किसने कहा? रोहतैन ने। पर भगवान ने तुम्हें तो ऐसा रूप दिया है कि भैया देखते ही मोम हो जाएंगे। लेकिन मैंने तो सुना है वो मेरी चाची से खफा होकर मुझे वहीं छोड़ाना चाहते थे, न जाने मेरे लिए उनके दिल में क्या ख्याल बैठ गया है, मेरा तो इस घर के सिवा और कोई ठिकाना नहीं। तुम तो यूं टेढ़ी आंख वाली परोतान का इतबार करके दिल छोटा करती हो, मैं भैया से पूछूंगी। नहीं नहीं, तुम उनसे कुछ मत कहना, बस मुझे यही बता दो कि वो कौन कौन सी बात पर खुश होते हैं, ताकि मैं वही करूँ जो उन्हें पसंद हो। मुझे तो खुद पता नहीं चलता वो किस पुराने जमाने के आदमी हैं, मेरे सर से पल्लू खसक जाए तब डांटते हैं, किसी नौकर से बात करूँ तब घूरते हैं, बड़े शक की तबीयत के आदमी है। बस औरत कमरे में बंद रहे उन्हें तो यही पसंद है। न जाने मेरा दिल क्यों धड़क रहा है। रात करीब आ रही ना इसलिए। ये बंदूक किसकी है? एक ही दिन में सब पूछ लेना चाहती हूँ, ये भैया की बंदूक है, उन्हें शिकार का बहुत शौक है। मुझे तो डर लग। क्यों? चलो मैं तुम्हें भैया के कमरे में छोड़ा, उठो ना। नहीं। चल। शाम, इस वक्त तुम यहां से चले जाओ, भाभी जाग रही है, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के आई हूं। नहीं जमना। एक बात
बहुत है, अफसानी बहुत है, आ दुनिया की जुबा पर मेरे, अफसाने बहुत है, अफसाने बहुत है, आ मैं दिल में तेरे हुस्न के दीवानी बहुत है, दीवानी बहुत है, दीवानी बहुत है। बेटा तुम जाओ अब आराम करो, ये जलसा तो सुबह तक चलेगा, जा। क्यों फिरोज जी? जी हाँ आपने सही फरमाया। भैया आ गए, शाम तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ। कौन है, कौन है बदमाश? हेलो कौन भाग रहा है? कौन है बदमाश? कौन है? भैया कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या कह रही हो तुम? आहिस्ता बोलो भैया, मैं ठीक कह रही हूँ। अभी मैं तुम्हारे कमरे में गई थी तो दरवाजा अंदर से बंद था, भाभी किसी मर्द से बातें कर रही थी। कैसी बातें? ये मैंने नहीं सुनी, जो ही दरवाजा खटखटाया वो बदमाश खिड़की से कूद के भाग गया, तुमने तो खुद देख लिया होगा। बता कौन आया था तेरे कमरे में? जबान क्यों बंद है तेरी, बताती क्यों नहीं, कौन था वो बदमाश? मैं समझी नहीं आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। सुन लिया भैया, कैसी भोली बनती है, ऐसा तेरा चरित्र? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसकी चाची को अपनी आंखों से देखा है, अगर वो इतनी तेज है तो ये क्या काम होगी? मैंने बड़ी भूल की जो इस पाप की गठरी को यहाँ उठा लाया, वही छोड़ा था तो अच्छा था। मैं सच कहती हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। आप क्या पूछ रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं जानती। अपने प्रेमी को कमरे में बुला के और फिर भोली बनती हो? आज से इस घर में तू रहेगी या मैं। भैया अगर तुमने ये घर छोड़ा तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। भैया तुम सब बात पिताजी को बता दो, जैसा वो कहे वैसा करना। बहन मैं सच कहती हूँ। पिताजी आज से इस घर में मैं रहूंगा या आपकी वो बहू? क्या बात, उसके कमरे में उसको मिलने उसका प्रेमी उसका आशिक? मैंने और जमुना ने अपनी आंखों से देखा है, अगर वो बच्चन इस घर में रहेगी तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। बेटा मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मेरी इज्जत, खानदान की आबरू और ठाकुर मानसिंह की पगड़ी की आन आज तुम ही बचा सकती हो। तुम मेरी बहू ही नहीं बेटी भी हो। बोलो बेटी, तुम अपने बूढ़े बाप को निराश तो नहीं लौटाओगी? आप मेरे पिता समान हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे इस काबिल नहीं रखा कि मैं तुम्हें कोई आज्ञा दे सकूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, अपनी इज्जत की भी, अगर मेरी आबरू लुट गई तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। आप कहना
क्या चाहते हैं पिताजी? मुझे कहते हुए शर्म आती कि जमुना अपना दोष तुम्हारे सर डाल रही है, ये सब जानते हुए भी किसी और के सामने ये बात मैं अपनी जुबान तक नहीं ला सकता, अपने बेटे के सामने भी नहीं। डरता हूं कि कहीं वो जोश में आकर अपनी बहन का खून न कर दे और सारा गांव न जान जाए कि ठाकुर मान सिंह की बेटी बचल। बात इतनी फैल गई है कि उसका दबाना मुश्किल है। बेटी, क्या तुम निर्दोष होते हुए भी ये कलंक अपने ऊपर ले सकती हो? मैं तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रहा बेटी, जो दुनिया की तारीख में आज तक किसी बहू ने अपनी ससुराल की इज्जत बचाने के लिए नहीं दी। मेरी पगड़ी तुम्हारे कदमों में, तुम इसे ठोकर भी मार सकती हो और मेरे सर पर भी रख सकती हो। बच्चलन बहू को भी तो आप अपने घर में नहीं रख सकते। तुम थोड़े दिन के लिए अपने चचा के यहां चली जाओ, बात ठंडी हो गई तो मैं खुद तुम्हें ले आऊंगा। जी अच्छा। एक वादा और करो बेटी कि राज हमारे और तुम्हारे दरमियान ही रहे। जी अच्छा। कब जाना होगा? सुबह मेरे आदमी तुम्हें पहुंचा देंगे। पिताजी, एक बार उनके पैर छू सकती हूं? शायद तुम्हारा पति न माने बेटी, अपने साथ लेती जाओ। इन कांटों को अब बदन पर रखने की हिम्मत नहीं मुझमें। अगर तकदीर वापस ले आई तो फिर पहन लूंगी। तुम किसी देवी का अवतार हो बेटी, मुझे अपने पांव छू लेने दो। इन कदमों में बैठकर थोड़ी रो ले बेटी। हर दुखड़ा सहने वाली, मुंह से न कुछ कहने वाली, हर दुखड़ा सहने वाली, मुंह से न कुछ कहने वाली, त्याग और सेवा में जो दुनिया से न्यारी है। त्याग और सेवा में जो दुनिया से न्यारी है। धरती सीधी रजवाली, ये भारत की नारी है।
भारत की नारी है, भारत की नारी है। घर की लाज को धर्म जो समझे कर्म करे सुखकारी, अंगारों में दूध पड़े जो समझ उसे फुलवारी। घर की लाज को धर्म जो समझे कर्म करे सुखकारी, अंगारों में दूध पड़े जो समझ उसे फुलवारी। हर आंसू पीने वाली, होंठों को सीने वाली, मर मर कर जीने वाली ऐसी सन्नारी है, मर मर कर जीने वाली ऐसी सन्नारी है। धरती सीधी रज वाली ये भारत की नारी है, भारत की नारी है, भारत की नारी है। गंगा सी निर्मल है जिसकी जमुना जैसी काया, ऐसी देवी अपने सर पर ले ले दोष पराया। गंगा सी निर्मल है जिसकी जमुना जैसी काया, ऐसी देवी अपने सर पर ले ले दोष पराया। कुर्बानी करने वाली, हंस हंस कर मरने वाली, जिसके बलिदानों के आगे दुनिया हारी है, जिसके बलिदानों के आगे दुनिया हारी है। धरती सीधी रज वाली ये भारत की नारी है, भारत की नारी है, भारत की नारी है। हर दुखड़ा सहने वाली, मुंह से न कुछ कहने वाली, त्याग और सेवा में जो दुनिया से न्यारी है, त्याग और सेवा में जो दुनिया से न्यारी है। धरती सीधी रज वाली ये भारत की नारी है, भारत की नारी है, भारत की नारी है। लीला चाची रोती क्यों हरी? अरे बदन पर गहने क्यों नहीं? इस तरह जाते ही लौट क्यों आई अकेली? मेरे लिए उनके घर में जगह नहीं। तो मेरे घर में भी जगह नहीं तेरे लिए? राम राम करके तुझे अपने गले से उतारा था, तू फिर आ गई मरने के लिए यहाँ? उन्होंने तुझे अपने घर से निकाल दिया क्या? क्यों, क्या बात हुई है भैया जी? हम क्या छोटे में बड़ी बात करें? हाँ हाँ कहो ना। सुनने में आया है कि क्या बहू के कमरे में रात को एक आदमी। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है चाची। यही बात होगी, वरना ठाकुरों का सिर फिरा था, कल ब्याह कर ले गए और आज घर से निकाल दिया। लीला आ गई ना? हाँ आ गई, अकेली नहीं साथ कलंक लेकर, बदनामी की सौगात लेकर। नहीं नहीं चाची, मुझ पर ऐतबार करो, मैं और कुछ नहीं बता सकती। मेरे पाँव को हाथ न लगा तो आप ही लड़ चले गए यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ चाची, मुझ पर तरस खाओ, मुझे अपनी दासी समझ कर यहाँ रख लो। तुझे घर में रख लो? मेरी अपनी बेटी जवान है, इसका रिश्ता ब्याह करना है, तुझ कलंकनी को रखकर सारी उम्र के लिए इसे भी? चाची ये भी अच्छा हुआ कि तेरा बापू घर में नहीं है, नहीं तो इस बच्चलन की सूरत देखकर आत्महत्या कर लेता, समझी? ऐसा न कहो चाची, ऐसा न कहो, मैं बच्चलन नहीं, मैं बिल्कुल बेगुनाह। इसीलिए ससुराल में तुझे जगह नहीं मिली, चल निकल यहाँ। भगवान के लिए मुझे यूं न धुतकारो चाची। खबरदार, मुझे चाची कहा? चाची मैं कहाँ जाऊँ चाची, मैं नहीं जानती। अपने पति के साथ आधार मान से आ तो खुला है मेरा दरवाजा, नहीं तो बंद। अब मैं उन्हें कहाँ से लाऊं? अब क्या मैं बोलूं? क्या बताऊं? ये कलंक लेकर तो मैं भगवान के पास भी नहीं जा। कम हो तो जरा बैलों को खोल दो, बेचारे थक गए।
और हम लोग कुछ खा पिया? हाँ हाँ भैया। आपने तो कल से पानी का घूंट तक नहीं पिया, हुकुम हो तो कुछ ले आऊं? नहीं भैया, मुझे कोई इच्छा नहीं, तुम लोग जाओ। चलो भाई। हाँ चलो। कहाँ से आ रही हो बहन? रामपुर से। कौन जात हो? ठाकुर। क्या नाम है तुम्हारा? लीला। ब्याही हो या कुंवारी? क्या बताऊं? माँ बाप हैं? फिर रामपुर में कौन है तुम्हारा? चाचा चाची। क्या नाम है उनका? ये सब क्यों पूछ रही हो तुम? हमारी वहां रिश्तेदारी है इसलिए। बताओ ना। चाचा का नाम विक्रम सिंह, चाची का रंगीली बाई। विक्रम सिंह और रंगीली बाई, तब तुम्हें तुम्हारी मामी लगती हो। मेरा तो कोई मामा नहीं। कोई मामा नहीं? भला तुम्हारे बाप का क्या नाम है? वीर सिंह। और माँ का? दुर्गा। अरे फिर तो मैं तेरी बिल्कुल सगी मामी लगती हूँ। तो यही बहना, मैं तेरे मामा को बुला के लाती हूँ। अच्छा। मैंने कहा क्या सोते ही रहोगे या कुछ सुनोगे भी? कहाँ है वो? बाहर बैठी है बैलगाड़ी में। तो जाके मेरी पगड़ी कोट छड़ी ले आ, पूरा मामा बन के जाऊ उसके सामने। अच्छा। लीला मेरे बहन की निशानी, अरे तू मुझे कैसे पहचानेगी? सारा रास्ता रोते आए हैं अपनी बहन को याद कर करके। अरे बेटी तू घबरा मत, उतरा जब तू पैदा नहीं हुई थी उससे पहले ही तेरे बाप से मेरा झगड़ा हो गया था, इसीलिए आज तक आने जाना नहीं हुआ। पर अब तुझसे क्या बैर बेटी? उतरा बेटी, चल घर चल। आ जा बेटी, तू घबरा नहीं बेटी, बेटी उतरा बेटी उतरा। कौन सा रिश्ता है ये? आंसू कोई लोग दिखावा थोड़ा ही है। क्यों जी? मुझसे इस समय कुछ नहीं कहा जाता है जी। उतरा बेटी, उतरा। मामा को और ना रुला। मुझे क्या मालूम था कि ये दिन देखना पड़ेगा मुझे। बस बेटी, कहीं रो रो के आंखें। मेरे नसीबों में तो रोना ही लिखा है। कल ब्याही गई थी, आज उजड़ कर आ गई। उन्होंने तुझे घर से क्यों निकाल दिया? दान दहेज कम था या बारात की खातिर में कमी रही? दोनों ही बातें थी। मखमल में टाट का पैवन कौन लगाता? अपनी हसियत से बड़े घर में लड़की ब्याहने का यही नतीजा निकलता है। पर रंगीली बाई और उसके मर्द की अकल को क्या हो गया था? क्या पत्थर पड़ गए थे उनकी समझ पर? उनका भी क्या दोष, अभागन का भाग कौन सुधारता। गाड़ी में बैठी बैठी यही सोच रही थी कि कहाँ जाऊं, तुम आसरा दो तो यहीं पड़ी रहूं। मेरे सर आंखों पर बेटी, अंधा क्या मांगे, दो आंखें। सरूप भाई अब उठो, चूल्हा चढ़ा दो, भाई लोगों के आने का वक्त हो गया है। कोई और मेहमान आ रहे हैं? नहीं बेटी, यही के अंधे लूले लंगड़े अपाहिज हैं, ये उन्हीं की बस्ती है। मैं उनका खाना पका दिया करती हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी से जो कुछ बन पड़ता है कर देते हैं सेवा बिचारों की। ये तो बड़ा पुण्य का काम है। चलो मैं भी तुम्हारा हाथ बटाती हूँ इस यज्ञ में। हाँ हाँ, इसे भी ले जाओ, काम काज में जी लगा रहेगा। जाओ बेटी जाओ। क्यों, कुछ पता चला? नहीं, इधर उधर तमाम देखा लेकिन कहीं पता नहीं चला। मुझे तो डर है बेचारी गम के मारे कहीं कुएं बावड़ी में कूद पड़ी हो। ऐसा ही लगता है, जिसका ना ससुराल में ठिकाना हो ना महकम, वो इसके सिवा और कर भी क्या सकती है। चलो फिर चलें, यहाँ रुककर क्या फायदा। हाँ। अब बताओ तुम उसे नाराज? तुमने अपना दोष उस निर्दोष पर क्यों लगा दिया? घबराहट में और कुछ सूझा नहीं मुझे। क्या तुम अब कह सकती हो सबके सामने कि मैं बहू से नहीं तुमसे मिलने आया था? ऐसा बोलो शाम,
कोई सुन लेगा? मेरे सवाल का जवाब दो। क्यों मेरी जान के दुश्मन बनते हो शाम? तुमने नहीं किया कबला से दुश्मनी शाम? अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए तुमने नहीं लगाया गौसमान देवी पे कलंक? भगवान के लिए आज तक बोलो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ मेरे पाँव में छू पापिन, तूने वो पाप किया जिसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन शाम, अगर खुद तुमने अपना कसूर न माना तो मैं कहूंगा ठाकुर से कि बहू बेगुनाह थी और तुम गुनेगार। खबरदार जो मुझे भैया कहा। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भैया, भैया मुझे भैया। बंदूक किसने चलाई? छोटे ठाकुर कहाँ? छोटे ठाकुर, अगर मैंने तुम्हें फिर इस गांव में देखा तो गोली छोड़ा दूंगा, निकल जाओ यहां से। छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर। हे भगवान, तो बहू का बलिदान भी ठाकुर मानसिंह की इज्जत बर्बाद होने से न बचा सका, उस देवी की कुर्बानी भी मेरी पगड़ी की लाज न रख सकी। बहू को वापस ले आना, मैंने उससे वादा किया था, उसे वापस ले आना बेटा। ला मैं कर लेती हूँ, छोड़ दे तू। नहीं मामी, आज सारी रसोई मैं बनाऊंगी। अच्छा तो ले आटा भी तो गोल। हाँ मैं तेरी कोफी ठीक करती हूँ। अंधे मोहताज को पैसा दे दो, बरसों से भूखे को रोटी दे दे। रोटी नहीं तो चाय पिलाओ। अल्लाह के नाम पर एक चौनी दो बाबा, तेरा भला हो जाएगा। दाता के नाम पे दो आना। मेरा सवाल पांच आने। मुझे सवा शेर आटा दिला दो बाबा। जो देगा सो पाएगा, पैसा दे दो बाबा मेरे बाबा। बाबा दो रोटी खिला दे तेरे बच्चे को, खा के दुआ दूंगा। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटे नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। बाबा दास कबीर, दास कबीर, आटा ने लाया था ना? हाँ मालकिन। अबे मालकिन के बच्चे, मालिक से बात करना। हाँ मालिक, आटा ने लाया था ना? आटा ने। एक तरसी दाल और तुम चार आने। हाँ मालकिन। ए जरा मालिक से बात करो। लो चार आने, चार आने, आधा कच्ची दाल। चार आने में आधा कच्ची नहीं होती, एक कच्ची। एक कच्ची, एक कच्ची। हाँ तुम कितने लाया था? छह आने ना? अरे मुंह से बोल। हाँ सरकार, छह आने। हाँ एक कच्ची दाल और तुम दस आने। जी जी, ढाई कच्ची दाल और तुम भाई बारह आने। बारह दाल, डेढ़ कच्ची दाल और तू बीस आने। रोकना लाया मालिक। दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। जेब काटी थी ना? हाँ मालिक। इसे जरा अचार भी देना। और दाल कितनी? हाय बीस आने की पांच कलछी दाल बनती, इतना भी नहीं मालूम। भला मैं किसी मुनीम की बेटी थोड़ा ही हूँ जी। हाँ और तू कितने लाया? सिर्फ छह आने मालिक। छह आने, एक दो तीन, डेढ़ कलछी दाल और तू आठ आने। सरकार आठ आने, तू आठ आने। मिले तो दस आने थे सरकार, मगर एक बदमाश छोकर आया था, ध्वनि लेके भाग गया। और तू अंधा ही बना खड़ा रहा, आंख भी नहीं खुली। एक और ग्राहक आ रहा था सरकार। और बैठ दाल। और तू? कुछ नहीं चौधरी। कुछ नहीं चौधरी, देने वाले मर गए सरकार। और तू बीड़ी पीने के लिए जिंदा रहा? ये बीड़ी कहां से मिली? रस्ते से उठाया था। रस्ते से उठा था? जा बॉम्बे पानी पिए, जा थोड़ी दाल। जा
देखो ना, आज रोटियां बड़ी नरम नरम है। हाँ। किसके हाथ की है? सरूप बाई के हाथ की है, और किसके हाथ की होंगी? मजा आ गया, एक और दो ना। अरे वारे चिटूरे, कल ले आना 10 आने। क्यों जी? हाँ जी, भीख का क्या भरोसा चौधरायन, अगर मेहनत मजदूरी की आदत होती तो 10 आने के बजाय 10 रुपए कमा लाता। चल चल लुट, बड़ी बड़ी बातें न बना, मेहनत मजदूरी करने में खून पसीना एक हो जाता है। और भीख मांगने में तेरे बाबा का क्या जाता है? क्यों जी? हाँ जी, देने वाला सबको देता है, चाहे मजदूरी करो के चाहे मत करो। बन के सुहागन रही अभागन, रूठ गई तकदीर मेरी, रूठ गई तकदीर मेरी। बन के सुहागन रही अभागन, रूठ गई तकदीर मेरी, रूठ गई तकदीर मेरी। अपनी गाना लीला, भगवान ने तुम्हें कितनी अच्छी आवाज दी है। लेकिन तकदीर अच्छी नहीं दी। तेरे मामा कह रहे थे तू कहे तो तुझे एक तारा ले दे। एक तारा?
वो किसने? जब तू एक तारा लेकर बाजार में निकलेगी, लोग झोली भर देंगे तेरी पैसों से। क्या मुझे भीख मांगना होगी? भीख कैसी बेटी, तू अपने गले की लोच बेचेगी, मीठी आवाज बेचेगी। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। जैसा देश पैसा भेज, ये भीख मंगो की बस्ती है, यहाँ और क्या करोगी? मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आए हाय, नहीं मर्जी तो ना सही, मगर इस वक्त जाएगी कहाँ है? कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। अरे जाएगी कैसे, मेरा नाम भी स्वरूप बाई है। स्वरूप बाई, हाँ मान गई? नहीं, वो तो जाने को तैयार बैठी है। अरे कोई हंसी खेल है, जाना जाने को तैयार बैठी है तो उसे रोकना भी आसान नहीं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अभी तो उसे अंदर बंद करके आई। शाबाश, बहुत अच्छा किया, मैं सुबह उसे समझाऊंगा। जरा नारियल भर लिया। मैं पूछूं हूँ जी। हाँ जी। क्या तुम सारी रात बैठे बैठे तमाखू फूकोगे? अरे सुबह क्या नाटक रचाना है, बैठ कर सोचना होगा या नहीं? सोचो जी सोचो, सारी रात सोचो। स्वरूप बाई, तूने क्यों मेरी भांजी को बंद किया? अरे परलोक में मेरी बहन सुनेगी तो क्या करेगी? अगर लीला तुझे माफ कर दे तो छोड़ता हूँ, वरना तू हट जा बेटी, तू हट जा, आज हो जाने दे इसकी मरम्मत, आज मैं इसका खून कर दूंगा। नहीं मामा जी, भगवान के लिए नहीं। तो तू करती है इसे माफ? हाँ। अब यहाँ से जाएगी तो नहीं? आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकी भाई, लीला ने तुझे माफ नहीं किया है, माफ नहीं किया है। नहीं तो मेरा खून तेरे सर होगा। खून तो इसी के सर होगा, लेकिन आज मैं खून बहा के आऊंगा। आज मैं नहीं, बेटी छोड़ दे, छोड़ दे बेटी, आज तू नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी ना? नहीं जाएगी ना? चल जीती रहे बेटी, आज तूने मेरी जान बचा ली। भगवान, क्या तूने मुझे इसीलिए दुनिया में भेजा है कि मैं अपना आप कुचल कर भी किसी की लाज बचाऊं और किसी की जान? तेरी यही मर्जी है तो यूं ही सही, शायद बलिदान, कुर्बानी और तपस्या का ही दूसरा नाम औरत है। मेरी बात गिरे बांध लो, जिस दिन उसे ये पता चल गया कि अपना असली धंधा क्या है, उसी दिन उड़ जाएगी। अरे तो मेरा भी नाम गुमान सिंह है, उड़ते हुए पंछी के पर नोचने भी आते हैं मुझे, समझी? हाँ, मैं तो ये सोचती थी कि वो गा गा कर मांगेगी और मैं उसकी कमाई से अपना घर भर लूंगी, पर मेरे मन कुछ और है, दाता के कुछ और। तू चिंता काहे को करती है स्वरूप बाई, दाता के मन में भी वही है जो तेरे और मेरे मन में है। इधर आ, बात सुन। क्या हुआ लीला? जाना सा लगता है आंखों में, बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा रोने से ऐसा ही होता है। तुझ मेरे के पास से हट जा, कहीं आंख में पसीना पड़ गया तो कहीं नजर न जाती रहे। भगवान ना करे। मैं तेरे मामा से कहती हूँ तेरे लिए अच्छी सी दवा लेके आए। मामी, तुम कितनी सेवा करती हो गरीब लाचारों की। सो तो ठीक है बेटी, ये मिट्टी की काया किसी के काम आ जाए सो ही अच्छा है। और मैं खामोखा यहाँ से जाने की सोच रही थी। ये तो सेवा आश्रम है, मैं भी अंधे मोहताजों की सेवा करके अपना जीवन सफल कर लूंगी। इन्हीं अंधे लंगड़ों के लिए तो मैंने तुझे गाने को कहा था, चार पैसे कमा कर लाती तो इन्हीं की सेवा में लगते।
दुखा हुआ दिल है मेरा, बिना सोचे समझे उबल पड़ी। मामा से कह दो मुझे एक तारा ला दें। अच्छा अभी कहती हूँ, जीती रहे। आपसे विनती कीजिएगा कि छोटे ठाकुर साहब और लीला को थोड़े दिनों के लिए जरूर भेज दें। बहुत अच्छा। शल्लो की माँ क्या है? सुनो तो, पुरोहित जी को गोपालपुर भेज रहा हूँ। क्यों? शल्लो के ब्याह में लीला को बुलाने के लिए। जाओ मिठाई विठाई के लिए कुछ रुपए निकाल दो। कोई जरूरत नहीं बुलावा भेजने की। अरे अरे क्या, मेरे शल्लो का ब्याह हो जाएगा लीला के बगैर। ये लीजिए फिर। अच्छा पुरोहित जी आप चलिए, फिर मैं आपको बुलवा भेजूंगा। बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। देखो तो बहन, शल्लो का बाप बेचारा बैठा रो रहा है। क्यों? इसलिए कि सगी भतीजी ब्याह में शामिल नहीं हो सकी तो सारी बिरादरी क्या कहेगी? बड़े घर की बहू बनकर उसका दिमाग खराब हो गया, और नहीं तो क्या। शल्लो की माँ अब गरज क्यों रहे हो? पराए मर्द के सामने सोच कर तो मुंह खोला करो। मेरी जैसी आदत है वैसा ही रहेगी, मैं नहीं बुलाऊंगी लीला को। बस लेकिन वो बेचारी सोचेगी कि चाचा ने ब्याह करके फिर बात तक नहीं पूछी, देश निकाला ही दे दिया। अरे उस जन्म जली के नसीब में देश निकाला ही लिखा था, तुमने नहीं दिया, ससुराल वालों ने दे दिया। क्या कह रही हूँ? मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ठाकुरों ने तो तुम्हारी भतीजी को ब्याह के दूसरे दिन ही निकाल बाहर फेंका था। ये मजाक ठीक नहीं शल्लो की माँ। ये मजाक नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो यहाँ खुद आई थी मरने, ठाकुरों की इज्जत को मट्टी में मिलाकर। शल्लो की माँ। लेकिन मैंने उसे घर में कदम नहीं रखने दिया। क्यों? इसलिए कि तुम शर्म के मारे कहीं कुएं में डूब मरो। क्या बकती है? उस कलंकनी को मत। खबरदार, जो उस देवी को कलंकनी कहा तो। कहूंगी हजार बार कहूंगी, अगर वो देवी होती तो इस तरह बदनाम होकर गदर। खामोश वरना। वरना क्या? उठाओ मुझ पर हाथ कम जात के लिए। मैं तेरी हड्डियां तोड़ डालूंगा। हड्डियां? अच्छी बात है। निकाल लो अपने दिल के अरमान, तोड़ दो मेरी हड्डियां उस कमजात के लिए। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। भगवान कहे तेरा हाथ टूटे, सत्यानाश हो उस कलमुई का। फिर उसे गाली दी तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। मैं कहती इज्जत प्यारी है तो चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं अपने गले में फांसी लगा के मर जाऊंगी। तुम मरो मरना चाहो तो, मैं क्यों चला गोपाल को? मैं क्यों मरूं? मरे मेरे दुश्मन या मरे तुम्हारी लीला।
जो गया बड़े ठाकुर ने आत्महत्या कर ली, छोटे ठाकुर के सर पर बहन का खून सवार था, उसी दिन कचहरी पेश हो गए और 7 साल के लिए जेल चले गए। हरे राम, मैं आप लुट गई भैया, उसी दिन मेरा जवान बेटा नजारे कहां चला गया। भगवान की लीला, लीला की जिंदगी खामखां बर्बाद हो गई, गाड़ीबान और कहा ढूंढ ढूंढ के थक गए लेकिन कहीं पता नहीं चला, अपने आप को खत्म कर लिया। कौन है, कौन है? अरे मैं हूँ लीला, मैं हूँ बाबा। अच्छा, मैं समझी कि कोई चोर है। हाँ। अरे अंधी के सामने से कौन पैसे उठाएगा सिवाय तुम्हारी, है ना? अब मैं तो तुम्हारी मामी हूँ ना, इसलिए चलो। कितने पैसे हो गए आज? 4 रुपए कुछ आने हैं। बहुत है ना? हाँ हाँ बहुत है, तुम जीती रहो। चलो कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? कहीं भी, काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार। और मैं? तुम्हारा जी चाहे तुम यहीं रहो या चली जाओ शल्लो के यहाँ। शल्लो के यहाँ मेरा क्या रखा है, मेरा घर संसार तो सब तुम्ही से है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुमसे ही भाग कर तो जा रहा हूँ, शल्लो के ब्याह तक किसी न किसी तरह तुम्हारे साथ निभा किया, लेकिन अभी जंजाल में नहीं फंसूंगा। तो क्या तुम सचमुच सर मुंडा कर सन्यासी बन जाओगे? इच्छा तो यही है, दुनिया से दिल ही उचाट हो गया। मुंड मुंडाए क्या भया, जो कीना घोटम घोट, मनवा तो मुंडा नहीं जिसमें भरा है खोट। खोट तेरे मन में है या मेरे, ये तो परमात्मा ही जाने। अच्छा जयराम जी, नदी नाव का बैठना, पलक एक की प्रीत, पल में बिछड़ ही जात हैं, यही जगत की रीत। अरे घर छोड़ते हुए तुम्हें जरा भी दुख नहीं हो रहा है? एक रोज तो जाना ही है सबको, घर और संसार छोड़कर। रुत आए रुत जाए, रुत आए रुत जाए, दुनिया रंग बदलती है।
को कौन बुझाए, रुत आए रुत जाए, रुत आए रुत जाए। जगमग जगमग आई दिवाली, घर घर हुआ उजाला रे। जगमग जगमग आई दिवाली, घर हुआ उजाला रे। मगर मेरे मुझे दिल का सदा संसार का नारे, इस जोत को कौन जगाए, रुत आए रुत जाए, रुत आए रुत जाए। दुनिया रंग बदलती है, तकदीर बदली जाए, रुत आए रुत जाए, रुत आए रुत जाए। मामी, आज पूर्णमासी है ना? हाँ बेटी। आज के दिन मेरा ब्याह हुआ था। मामी, थोड़ा सा सिंदूर तो डाल दो मेरी मांग में। आज इतने बरसों के बाद तुझे मांग भरने की क्या सूझी? न जाने आज कैसे याद आ गया कि मैं सुहागन हूँ। मेरे भाग बुरे हैं तो क्या, मैं अपने सुहाग का बुरा क्यों चाहूँ? मेरे पति जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, भगवान उन्हें सदा सुखी रखे। वो क्या अभी तक तेरे नाम पर बैठा है? दूसरी औरत से उसे दो चार बच्चे भी हो गए होंगे। बच्चे? और नहीं तो क्या। मामी, मेरा भी जी करता है कि, कहो ना बेटी। जी करता है कि मैं भी किसी बच्चे को गोद में लेकर लोरी गाऊं, उसे छाती से लगाकर अपना कलेजा ठंडा करूं। ऐसा सोचना मेरे लिए पाप तो नहीं है ना मामी? नहीं बेटी, हर औरत का माँ बनने को जी चाहता है। माँ, मेरे ऐसे नसीब कहाँ, जैसे मैं अंधी वैसे मेरी तकदीर। रो ना बेटी, ले मैं तेरे लिए अभी सिंदूर मंगवाती हूँ। सुहाग ने रोकर नहीं हंसकर मांग भरती है, हा? मैं अभी सिंदूर लाई। अच्छा सरूप भाई, ओ सरूप भाई, जरा यहाँ आना। ये बच्चा आया है। भैया जी क्या कहते हैं? देख लो चौधरन, आदमी का बच्चा है। सो तो दिख ही रहा है भैया जी, मगर कौन सा तुम्हारा अपना है? आखिर तुम भी तो इसे कहीं से उठाकर ही लाए हो भैया जी। ले लीला, भगवान ने तेरे मन की मुराद पूरी कर दी। बच्चा? किसका बच्चा है ये? अरे तेरा ही है, अब इसे कलेजे से लगा के लोरी गा और इसे भी गाना सिखा दे। बताओ ना मामी, ये किसका बच्चा है? यतीम है, एक दूर का रिश्तेदार छोड़ गया है। आजू बाजू के सभी लोग तो जानते हैं हम गरीब और यतीमों की सेवा करते हैं। तो मेरी तरह इसका भी कोई नहीं? भगवान, ऐसे मासूम बच्चों पर भी तुझे दया नहीं आती? अरे दया धर्म करने को हम जो यहाँ बैठे हैं, हाँ इससे ज्यादा लाड प्यार करोगी तो बिगड़ जाएगा। नाजुक पौधा मोहब्बत से ना सींचा गया तो परवान कैसे चढ़ेगा? इसे दूध बिस्किट की आदत ना डाल। सुबह उठ कर रोने लगा तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। तो मुझसे भी इस वक्त बाजार नहीं जाया जाता। हाँ सुन ले,
मेरा कलेजा जो बरसों से जल रहा था वो आज तूने ठंडा कर दिया। तेरा नाम क्या है? पन्ना, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तुझे कैसे समझाऊं बेटा कि वो कहाँ चली गई है? मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। उन्हें याद नहीं करते बेटा जो छोड़कर चले गए हैं। मुझे यहाँ अंधेरे में डर लगता है। डर लगता है? अच्छा रोते नहीं। हाँ मैं अभी। माँ, 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 माँ। सोचा दुखिया रे दुखिया के प्यारे दुख तेरा कोई जाने ना। सोचा दुखिया रे दुखिया के प्यारे दुख तेरा कोई जाने देखने चली आई। भगवान जाने कहां से उठा लाते हैं।
मुए जरा नहीं डरती जुलम से। लेकिन इस यतीम को तो कोई यहाँ पालने के लिए छोड़ गया है। हाय, कितना खूबसूरत और सुंदर बच्चा है। अच्छा, मैं तो देख नहीं सकती। क्यों री मुंगिया, तू यहाँ क्या कर रही है री? कुछ भी नहीं। तो फिर जा अपना काम कर। जा तो रही हूँ। जा तो रही हूँ, चल उठ लीला। और बच्चा, इसे भी साथ ले चलू? हरी, पागल हो गई है तू, ठहरी अंधी। बच्चा है खूबसूरत, अगर कोई उठा के ले गया तो? नहीं नहीं, फिर तो मैं कभी भी नहीं ले जाऊंगी। अभी तो सो रहा है, उठकर रोने लगा तो? तो तेरे मामा संभाल लेंगे री, ऐसी कौन सी बात है। चल उठ, आजा 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 आजा, जरा संभल के। हाँ, तो खिलौने लेगा ना, अच्छे अच्छे रंग वाले, चौं चौं बोलने वाले। नहीं, मुझे भूख लगी है। भूख लगी? चला, मैं तुझे रोटी दूं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अरे, ये तो बड़ा चलाक है, इसे यही खाना दे दो ना, तुमसे डर रहा है। मैं माँ के पास जाऊंगा। हाँ बेटा, मैं चलूंगा तुझे साथ लेके। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा बेटा। नहीं, नहीं। तो देखो तो सही, मैं समझती थी इसके मुंह में जबान नहीं है। ले खा रोटी। मैं नहीं खाता। क्या? ये गंदी रोटी है। गंदी रोटी है, और क्या तेरे लिए हलवा पूरी लाऊं? हाय हाय, काहे को बच्चे को डांट रही हो, फिर सहम जाएगा। बेटा, आज तू यही खा ले, कल मैं तेरे लिए अच्छी अच्छी मिठाइयां लाऊंगा। अच्छा, खा ले, खा। तू जा यहां से, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। अरे देखो तो सही, कैसे घूरता है और कैसे टर टर किए जाता है। तो ये गाना जल्दी सीख लेगा, और मैं सिखा दूंगा इसे खीसा पाकेट काटना। अकल तो मेरी काम आई ना। तुझे सूझती खूब दूर की है, ये मानना पड़ेगा। ये बुद्धि तुम्हारी कौन लगती है? बुद्धि? बेटा, ये तो मेरे दिल की रानी है, पर तू इसे नानी कहना। मैं नहीं नानी वानी बनती। हाँ, ये तू तो बस। सुनो। क्या बेटा? मेरी भी एक नानी है, उधर मेरी माँ भी है, मुझे उधर ले चलो। ले चलूंगा बेटा, ले चलूंगा। अरे कौन ले गया मेरे बच्चे का? बच्चा मेरा, दूध पला लाडला कहाँ चला गया है? तू न रो बेटी, मैं जब बैठी हूँ अपना सर पीटने के लिए। पन्ना ना मिला तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी जाकर उन्हें? मैं क्या बताऊं बेटी, तेरा बाप होता तो किसी से पूछ पड़ताल करता भी। मैं अकेली औरत कहां जाऊं, किससे पूछूं, किसी से बना के रखा भी तो नहीं। हाय, सोने के कड़े, वो सोने का कंठा ही मेरे लाल का दुश्मन हो गया। खाएगा ना मिठाई? ले खा ले। अब तो तू रहेगा ना मेरे पास? नहीं, ये लो अपनी मिठाई, मुझे मेरी माँ के पास लेके जाओ, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। हाँ हाँ बेटा, ले चलूंगी तेरी माँ के पास, पहले तू मिठाई खा ले, फिर चलेंगे। अच्छा, फिर चलेंगे। पन्ना, मुझे भी खिला मिठाई। ये लो, मेरे मुंह में डाल दे बेटा। पन्ना, ओ पन्ना, पहले दूध पी ले, उठ फिर सो जाना। चल, और पियो और पियो। बस बस, अब तुम पी लो। ये एक तारा है। तारा? तारा क्या होता है? ये मेरा बाजा है। बाजा? जरा बजा तो, कैसे बजता है? अच्छा अच्छा, तुम मेरी गोद में लेट जा, मैं तुझे लोरी सुनाऊंगी मीठी मीठी। क्यों? मेरा जी करता है बनना। हाय राम, आज एक पैसा भी नहीं मिला दिन भर। मिले तो थे पैसे, पर मैंने खर्च कर डाले। काहे पे खर्च कर दिए? ये देखो, खिलौने ले आई हूँ। ये 1 रुपए का है, और ये 8 आने का। ये मोटर है ना, 2 रुपए 12 आने की। और ये 3 आने का है,
एक रुपया मेरे पास है रात के और सुबह के दूध के लिए। हाय राम। क्या हुआ मामी? मर गई मामी, दिन भर की कमाई को खाक कर डाला। पूछती है मामी कल फिर मिल जाएंगे पैसे, अब घर चलो। मगर तू गई कैसे थी? मैं अकेली चली गई थी पूछते पूछते, वहाँ चौक में एक दुकान है ना, वहीं से लिए हैं। अब चलो ना, बंदा इंतजार कर रहा होगा। चल उठ, ये जरा ले लेना। हाँ लेती हूँ, ये ले पकड़। लाओ उठ। चले गए खिलौने, अच्छे है ना? हाँ। सुनो सुनो, फिर चलाओ मोटर, फिर चलाओ। अच्छा कहाँ है मोटर? ये क्या है, तुम्हें दिखता नहीं? नहीं बेटे। क्यों? मैं अंधी हूँ ना। मगर तुम्हारी आंखें तो है दो। पर इनमें रोशनी नहीं है। तो फिर तुम चलते कैसे हो? कोई मेरी लाठी पकड़े तो। मैं पकड़ूंगा तेरी लाठी। ना मेरे लाल जीता रहे तू, भगवान करे तो जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि मेरी लाठी पकड़े। फिर मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी, मैं किसी की मोहताज नहीं रहूंगी, मैं किसी की मोहताज नहीं रहूंगी मेरे लाल। वरना वरना मुझे माँ के माँ। चम चम चले उमा।
गाड़ीवान और कहार ढूंढ ढूंढ कर थक गए। बहू अगर इस दुनिया में होती तो कहीं न कहीं उनकी खबर जरूर मिल जाती। हे भगवान, जिस उम्मीद पर मैंने अपनी सजा के 7 साल एक एक दिन करके काटे, आज वो भी जाती रही। अगर मैं उस दिन जल्दबाजी न करता तो इस तरह पछताने से क्या होता है सरकार? आप अगर चाहें तो बरसों से उजड़ी हुई इस हवेली के नसीब फिर से जाग सकते हैं। वो कैसे रामदीन? आप अगर दूसरी शादी? नहीं नहीं रामदीन, ये बात दोबारा मत कहना। देख बेटा, ये रहा बटुआ, है ना? अब इसे मैंने ये जेब में रख लिया, रख लिया ना? अब इधर आ जा, आ जा। ये लो, आ गया। अब तू इसे इस तरह सफाई से निकाल ले कि मुझे पता न लगे। मगर तुम माँ की तरह अंधे थोड़ी हो। मैं अंधा नहीं हूँ बेटा, पर तू मुझे अंधा बना दे और बटुआ निकाल ले। अच्छा, हाँ? एक बात कहूँ? क्या? तुमने पहले कैसा बटुआ निकाला था? मैंने? हाँ। अरे मेरा तो अपना बटुआ है, मैं किसका निकालता? तो फिर मुझे क्यों सिखा रहे हो? ये देख कितने पैसे हैं इसमें। मेरी माँ के पास इससे भी ज्यादा पैसे हैं। ऐसा? ऐसा। स्वरूप भाई, ओ स्वरूप भाई। जी। इस बुढ़ी का नाम स्वरूप भाई है? बेटा उसे बुढ़ी नहीं कहना, नहीं तो मारेगी। अगर वो मुझे मारेगी तो मैं भी उसे मारूंगा। किसे मारेगा रे? तुमको। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे? मैंने तुम्हें कब मारा है रे? सचमुच बड़ा होशियार लड़का है। अभी क्या कह रहा था जानती हो? क्या कह रहा था जी? कहता था मेरी माँ के पास बहुत से पैसे, बच्चा जो कुछ देखता सुनता वही कहता। अब मैं समझी, पहले तो हर रोज 4-5 रुपए लाया करती थी और जब से ही आया है तब से 1.5-1.5 रुपया बताने लगी। तो ये मामला है। जरूर मुझसे छुपा कर जमा करती होगी। क्यों रे, तुझे मालूम है तेरी माँ कहाँ रखती है पैसे? मालूम है। तो चल बता मुझे। नहीं बताऊंगा। मेरा राजा बेटा। जी। मैं तुझे मिठाई दूंगी। अंधों पे दया करना दाता, अपनी आँखों की तुमको पसंद। इस झोली को भरना दाता, अपनी आँखों की तुमको पसंद। अंधों पे दया करना दाता, अपनी। कौन है? एक दुखियारा। इस संसार में कोई सुखी नहीं भाई, नानक दुखिया सब संसार। कहाँ के रहने वाले हो? गोपालपुर का। गोपालपुर? वहाँ के ठाकुरों को जानते हो? अच्छी तरह। वो सब कुशल से तो है ना? भगवान जाने, घर छोड़े हुए 7 साल होने को आए। क्यों? मेरी वजह से एक देवी का जीवन बर्बाद हो गया और ये पछतावा मुझे कहीं भी चैन से नहीं बैठने देता। कौन थी वो देवी? ठाकुर की बहू। ठाकुर की बहू? तुम जानती हो उसे? हाँ भैया। कहाँ रहती हो? हमारी बस्ती में। सच? चलो बहन, मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे गोपालपुर ले जाऊँ। अब तो सब जान गए हैं कि वो निर्दोष थी। नहीं भैया, वो वहाँ जाकर क्या करेगी, उसके नसीब में वहाँ का सुख नहीं था। और अगर वो खुद लेने आए तो? उन्हें क्या पड़ी है मेरी? मेरी? तुम ही तो नहीं हो ठाकुर की बहू? मैं आज ही जाकर उन्हें खबर करता हूँ कि बहू यहाँ है। नहीं भैया, ऐसा ना करना। भैया सुनो, कितने हो गए जी? 350 14 आने। हाय राम, एक ही बरस में इस अंधी ने इतनी रकम जमा करी? राम जो करता है अच्छा ही करता है। राम क्या करता है? अकल तो मेरी थी ना, राम की ना तुम्हारी। अरे तो मैं कहाँ अपनी अकल की दुहाई दे रहा हूँ। ले जा, अंदर रखा बक्से में। अच्छा। मैं सोचती हूँ इस डिब्बे को अंधी की कोठरी में ही रखे हूँ। क्यों? भला तुम अपनी अकल लड़ाओ तो। तेरे आगे अपनी अकल नहीं चलती स्वरूप भाई,
ये सब कारखाना तो बस तेरे दम से चल रहा है, मैं तो तेरा मुनीम हूँ। हाय हाय, रहने दो, पहले बात सुनो मेरी। है? उसने अगर ये डिब्बा खाली देखा तो रुपिट के चुप हो जाएगी। हाय हाय, आगे भी तो सुनो। बोल बोल। उसने अगर ये डिब्बा खाली देखा तो कल से रुपए कहीं और छुपाने लग जाएगी, और अगर ये रकम वहीं पड़ी रही तो उसका लालच बढ़ता रहेगा। हाँ, और देख लेना, एक ही बरस में 350 के 1050 हो जाएंगे। घी शकर, तेरे मुंह में घी शकर। स्वरूप भाई, किसी ने सच कहा है कि माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। तुलसी संसार में अकल बड़ी के भैंस। क्या बोली, क्या बोली? पन्ना माँ, जाए जाके रख दे। माँ, डब्बा तो खाली हो गया। क्या? हाँ माँ, बूढ़ी सारे पैसे निकाल के ले गई। तूने बताया होगा। हाँ माँ, लेकिन तुम मुझे मारेगी तो नहीं? ये तूने क्या किया पन्ना? तेरे लिए ही तो ये रुपए मैं जमा कर रही थी। तू स्कूल जाएगा, बड़ा होगा, क्या क्या अरमान थे मेरे दिल में। माँ, मैं बड़ा नहीं होऊंगा, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बेटा मेरे लाल, तुझे छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ। तो क्या तू मुझे छोड़कर चली जाओगी? नहीं बेटा, मैं तेरे पास रहूंगी, कोई लेने भी आएगा तो नहीं जाऊंगी। अब तो तू ही मेरा जीवन है। जा जा के डब्बा ले आ। तो क्या माँ, डब्बा फिर भर जाएगा? माँ, इसमें तो है पैसे। अच्छा, दिखा दो। हाँ, सब तो है। तो फिर ये कुछ जादू हुआ है। जादू कैसा? तूने मुझसे झूठ कहा था। सच्ची माँ, मैंने झूठ नहीं कहा था, वो बूढ़ी सचमुच पैसे निकाल के ले गई थी। अच्छा, राम की राम जाने। पन्ना, सुबह जाके जरा मोंगिया को बुला लाना। अच्छा अच्छा माँ। रख दे रख दे। दे मुंगी आ गई। कहो लीला। पन्ना, जा बाहर खेल। अच्छा माँ। मुंगिया, मैंने मामी से चोरी पन्ना के लिए कुछ रुपए जमा किए हैं। अब मामी को इसका पता लग गया है। फिर? इन रुपयों में ही मेरी जान है, कहाँ छुपा के रखूं? सच कहूं तो हम भी पूरे भीग के पैसे नहीं देते चौधरी को, दो चार आने रोज छुपा ही लेते हैं। अच्छा, तुम कहाँ रखती हो अपने पैसे? हम तो बाहर के बाहर ही जमा करा आते हैं, एक सीट के पास, फाटक पर तो अपनी तलाशी हो जाती है। मुंगिया, मेरे रुपए भी वहीं जमा करा दो। अच्छी बात है, तुम रुपए साथ लेती जाना, मैं तुम्हें बाजार में मिलूंगी, पक्का बंदोबस्त कर दूंगी। अच्छा मुंगिया, सेठ है तो एतबारी? अरे वो ठहरे बड़े आदमी, हम फकीरों के पैसे क्या मारेंगे। तीन सौ पचास ऊपर साथ, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो सेठ जी लिख लीजिए इनके नाम पर। क्या नाम है इसका? लीला। लीला। और ठिकाना? हमारी बस्ती। मुनीम जी, लिख लीजिए इसका नाम। पैसे तुम्हारे नाम जमा हो गए, अब तुम खातर जमा रखना। उठो लीला, अंधी है बेचारी। अंधी? मुंगिया, तो रसीद दर्ज नहीं दी। और ये इसकी क्या जरूरत है, सेठ जी बड़े भले आदमी है, इतना बड़ा तिलक लगा रखा है इन्होंने। अच्छा हाँ, चलो चलो। राम राम। राम राम सेठ जी। राम राम। चले आओ। अब तो कोई खतरा नहीं रहा ना स्वरूप भाई का। अब मेरे दिल को शांति हुई। तुमने बड़ी मेहरबानी की। अरे मेहरबानी की क्या है लीला, आदमी आदमी के काम आता है। सुबह आदमी आदमी में तो फर्क होता है ना। छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, बहू जी जिंदा है। क्या कहा? जिंदा है। अभी अभी पुरोहित का लड़का वापस आया है, वो अपनी आंखों से बहू जी को देख कर आया है। जाओ रामदेव, उसे जल्दी बुला कर लाओ। मैं आज उस देवी को वापस लाने जाऊंगा।
जाओ रामधीर जल्दी कर। जरूर बुद्धि के बच्चे, देख लीला, मैं तुझे कई बार कह चुकी हूँ, तू तो इसे मना कर, ये मुझे बुद्धि पुकारता, मैं इसे मार-मार के इसकी हड्डियाँ तोड़ दूँगी, ले संभाल इसे। क्यों रे पन्ना, तुझे मना किया ना इन बुद्धि ना कहा था, अब कहेगा? शिकायत का कौन सा मुझे वो करके दिया, लो मारा तो मारा यूं, ले 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 जा जा पन्ने। बड़ी आई वो, मेरा होता तो मार मार के हड्डियां पीस देती उसकी। हाँ बेटा तब ना। हाँ देखा हुआ है। आ गई वहां से, बुड्ढी नहीं कहेगा तो बेटा कहेगा। फजूल में बच्चे को पिटा दिया। पन्ना आ इधर, पन्ना बेटे आजा मेरे पास, आजा। नहीं आता। गुस्सा नहीं करते बेटा, आजा। माँ के कहने का कोई बुरा मानता है? नहीं। तुम्हारे खिलौने कहाँ हैं? चलो हम लोग खेलें। अच्छा लो लो अपने खिलौने ले लो, खेलेंगे। हाँ नहीं, मुझे तुम्हारे खिलौने नहीं खेलने। अटकन मटकन दही चटोकन धम्मड़ धुस्सा थूंते गुस्सा कड़वी कड़वी बात बुलाना मैया से नहीं गाल फुलाना तू मेरा बेटा मैं तेरी मैया हंसते हंसते किशन कन्हैया। बिल्ली बजाए बाजा गाए चूहियों का राजा नाचे बंदरिया लहंगा डाल के बिल्ली बजाए बाजा गाए चूहियों का राजा नाचे बंदरिया लहंगा डाल के तोता नचाए नैना सीटी बजाए मैना नखरे दिखाए रे कमाल के बिल्ली बजाए बाजा गाए चूहियों का राजा नाचे बंदरिया लहंगा डाल के। बाह पकड़े तो आखिरी सांस तक निभाए, पर तुमने तो उसकी जिंदगी बिगाड़ दी। आज 7 बरस बाद तुम उसकी सुध लेने आए हो, भला वो तुम्हारे नाम पर कब तक बैठी रहती? उसने दूसरा घर कर लिया तो अच्छा ही किया, क्यों जी? हाँ जी, अरे जबरदस्ती तो चिड़िया भी पिंजरे में बंद नहीं रह सकती, तो आदमी कैसे रहेगा भैया? तुम अब ये समझ लो कि लीला तुम्हारे लिए मर गई। हाँ बस यही समझ लो कि वो मर गई है। काय को मेरी माँ को गाली देता है? अरे नहीं बाबा, ये है उसका बच्चा। बेटा तेरी माँ का नाम क्या है बोल? लीला। ये कौन है? अरे तू जा खेल ना, काहे को इनके कलेजे में सुई चुभाता है? मेरे पास कहाँ है सुई? देखो देखो कहाँ है मेरे पास? बड़ा होशियार बच्चा है, बड़ा होशियार बच्चा है, मगर भैया तुम्हारी तकदीर में नहीं था। ओ भैया, अगर तुम्हें कुछ लीला से कहना हो तो बोलना। जी नहीं। नहीं
ये उसके जेवर, उसे दे दीजिएगा। जेवर? ठहरो भी, अगर तुम अपने ही हाथ से दे दो उसे तो। जी नहीं। आए हाय तो मैं दे दूंगी। हाय राम, कितने चमकते हैं। मैं देखू, ले देखो, ये तो सब हीरे हीरे हैं। जी लाओ तो मैं पहन के तो देखूं। ए मेरी माँ के गहने दे। अरे हट, बढ़ाया माँ के गहने दे मुझे, जाता है कि नहीं जाता है? हाँ तुम बात कहीं का मुआ। देखो तो भला मैं कैसी दिखती हूँ आज। अरे दुहाई है स्वरूप भाई, तू तो बिल्कुल सड़क की सुंदरी दिख रही है। ये गहने कैसे सजते हैं मेरे बदन पर? अरे ये गहने तेरे बदन पर नहीं सजेंगे तो क्या मेरे बदन पर सजेंगे? जरा इधर देखूं। अरे स्वरूप भाई, वक्त हो गया है, अब जाके तू लीला को तो ले आ। ना काय को? उस अंधी के साथ लोग मेरे गहनों की सजदाई देखेंगे तो कल से फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तो बाबा तू उतार दिए गहने, इन गहनों के लिए मुझे अपना धंधा नहीं बंद करना। अरे तो क्या तुम्हारे पैर को क्या मेहंदी लगी हुई है जो तुम आज नहीं जा सकते? अच्छा तो मैं ही जाता हूँ, पर तू जाके जरा चूल्हा चढ़ा, भाई लोगों के आने का वक्त भी हो गया है। भाड़ में गया तुम्हारा चूल्हा और चूल्हे में गए तुम्हारे भाई लोग। दे नारियल जरा, मैं भी दो सूटे लगा के देखूं आज। स्वरूप भाई, इन गहनों ने तो तेरी काया ही पलट दिया है। किसी ने सच ही कहा है कि दौलत में है दो लता, तुलसी निश्चय चीन, आवे तो अंधा करे और जावे तो मतहीन। क्या मतबल? मतबल ये कि दौलत आती है तो आदमी अंधा बन जाता है और जाती है तो बेवकूफ बन जाता है। आए हाय, तो क्या मैं तुम्हें अंधी नजर आती हूँ? नहीं बाबा, तू अंधी नहीं है, मैं बेवकूफ बस। बाप रे बाप, बुढ़ी हुक्का पीती है? तेरे बाप का है हुक्का? बाप रे बाप, बुढ़ी गाली देती है? खबरदार जो मुझे बुढ़ी कहा। हाँ बुढ़ी गोली ला लगा, बुढ़ी गोली ला लगा, बुढ़ी गोली। खबरदार बदमाश, चुप। तूने मुझे मारा है? हाँ हाँ मारा है। उतार दे मेरी माँ के गहने, उतार दे। अरे ज्यादा बड़बड़ की तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। मैं माँ से कह दूंगा। क्या कह देगा? मैं से कह दूंगा सारी बातें। सारी बातें क्या कहेगा माँ से, जरा बता देना। नहीं बताऊंगा। तू तो बड़ा अच्छा बच्चा है, मैं तुझे प्यार करूंगी। अब बता तुमने मुझे पहले क्यों मारा था? अच्छा ले तू मुझे मार ले, ये बस। ऐसे नहीं। और कैसे? ऐसे। अरे अब बताओ। हाँ बता। मैं माँ से ये कहूंगा कि एक आदमी आया था तुमसे मिलने के लिए। और फिर कहूंगा कि तुमने कहा कि वो तुम्हारे लिए मर गई। और क्या कहेगा? और कहूंगा कि वो जो आदमी जेवर लाया था वो सब तुमने पहन लिए। सुन, अगर तूने उस अंधी से कुछ कहा तो मैं मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ डालूंगी। सुना? कहूंगा, जरूर कहूंगा। तो फिर उतार दे मेरी माँ के गहने। अरे कहां से मोल ले लिया ये सांप का बच्चा? फिर बूटी मुझे गाली देती है? अरे 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 मार, अरे अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, हटा दे। पन्ना पन्ना कहाँ चला गया? पन्ना, ओ पन्ना कहाँ छुप के बैठ गया? रे बोलता क्यों नहीं? अपनी अंधी माँ को परेशान ना कर बेटा। पन्ना कहाँ चला गया? पन्ना, ओ पन्ना कहाँ छुप गया तू? ऐसे तो तू कभी परेशान नहीं करता मुझे। क्या हुआ पन्ना? पन्ना आके मेरी लाठी पकड़ बेटा, आज तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाती हूँ। लीला, मामी मामी मेरा पन्ना कहाँ है? मेरी तो जान निकली जा रही। ले गए उसे जो उसे छोड़ने आए थे। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो समझाया था तुझे कि प्राय बच्चे में इतना मोह मत डाल। मैं अपने पन्ना के बिना मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। पन्ना मैं तुझे कहाँ से लाऊं मेरे बच्चे? मेरा बच्चे ना मिला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी पन्ना। शांति रख लीला, प्राय चीज पर भला क्या जोर?
जा अंदर जाके आराम कर। नहीं मामी नहीं नहीं। नहीं तो ना सही, बड़ी रोती रहे, भला मैं क्या करूं। दुख में हरि को सब भजे, सुख में भजे न कोई, और सुख में जो हरि को भजे तो दुख काहे को होए। अरे स्वरूप बाई अपनी अपनी थाली उठाओ, चलो रसोई घर में, आज से दाल रोटी का हिसाब बंद। चौधरी की जय, चौधरी की जय। मुए स्वरूप बाई का नाम ही नहीं लेते, जिसकी बदौलत आज पेट भर के खा रहे हैं। क्या सुन, अंधी को जाके जरा ढारस दे के आ, रो रही होगी पन्ना के लिए। क्यों, पन्ना कहाँ गया? जहन्नम में। क्या मतलब? अरे भगवान, तू बोलती क्यों नहीं, सूटे पर सूटा लगाया जा रही है। उसे मार मार कर दूर जंगल में फेंक आई। क्यों? मुआ कहता था उतार मेरी माँ के गहने। तूने अच्छा नहीं किया स्वरूप भाई, अच्छा नहीं किया। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ए, तेरे होश तो ठिकाने हैं, कोई जरूरत नहीं जाने की। क्यों? बदमाश कहता था मैं लीला से कह दूंगा, उसे कोई ढूंढने आया था, अगर भांडा फूट जाता तो हवालात की रोटियां खानी पड़ती कि नहीं। मैंने अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार ली इन गहनों को रखकर। भगवान, ये मेरे गहनों की क्या रट लगा रखी है तूने? क्या तुझे और कुछ नहीं सूझता? इन्हीं कमबख्तों की वजह से तो तू मेरे हाथ से निकली जा रही है, मेरे पाप और पुण्य की साथी। पाप की बात करो, पाप की, पुण्य का कौन सा काम किया है तूने? इसीलिए सोच रहा हूँ कि तेरे हाथों दुर्गति कराने से अच्छा है कि मुंह काला करके कहीं चला जाऊं। बस इतनी जल्दी कांपने लगे अपने पापों से? हा, मुझे भी नरक में घसीट कर अब धर्मात्मा बनने की ठानी है। ले पी, जब तक चलती है नाव चलाए जाओ। इस पाप की नाव में अब मुझे पानी भरता दिख रहा है, इसे डूबने में अब देर नहीं है स्वरूप भाई। क्या, तूने तो पतवार छोड़ दी है, अकेला मैं इस नाव को कब तक चलाता रहूंगा? बस एक ही दिन में नानी याद आ गई। अरे अरे, तूने तो मुझे आदमी ही समझना छोड़ दिया इन गहनों को पहनकर। मैं तो ये गहने अपने बदन से अलग करने वाली नहीं, तुम समझते हो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मुंह धोके आओ, मुंह धोके। तुम चलाक हो तो मैं तुमसे सवा हाथ आगे हूँ अकल में। हाँ, तेरी अकल के गुण गागा कर ही तो आज ये दिन देख रहा हूँ। तेरे मुंह में राख, सर में खाक। स्वरूप भाई, बहुत कर चुका लिहाजो मेरे ऊपर, अब जरा जबान संभाल के बात कर। जा जा, बड़ा आया आंखें दिखाने वाला। क्या, नारियल भर के ला, ठंडा हो रहा है। अरे तो क्या तेरा नशा टूट रहा है कमबख्त? खबरदार जो गाली दी, मार मार कर चांद गंजी कर दूंगी। ऐसा? हाँ ऐसा। हाँ हाँ। अच्छा हाँ। अच्छा ठहर जा, मुआ जलता है मेरे गहने देख देख कर, समझता है मैं इसके गुस्से के डर के मारे उतार दूंगी। मैं भी नहीं उतारती, लगा ले जोर, लगा ले। हाँ लगा ले। मैं कहता हूँ उतार दिए गहने। नहीं उतारती। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। जीवन में आया तूफान।
गया था तू? क्या हो गया है तुझे बन्ना? अरे ये तो बुखार से कांप रहा है, क्या हो गया था तुझे बन्ना? बन्ना, ओ बन्ना, तुझे क्या हो गया? अरे तू बोलता क्यों नहीं बन्ना? मुंगिया, 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 क्या है लीला? पन्ना बिल्कुल बेसुध पड़ा है। क्यों, उसको क्या हुआ है? पता नहीं क्या हो गया, जा जल्दी से जाके किसी वैद्य को बुला ला। अभी बुला लाती हूँ। हाँ। जल्दी आना। अच्छा। ये मेरे बस का रोग नहीं, किसी बड़े डॉक्टर को बुला लो जल्दी से। बड़ा डॉक्टर? हाँ, फीस लेगा 30-32 रुपए, क्योंकि रात का वक्त है। तू मेरे पन्ना के पास बैठ, मैं भी जाकर सेठ से रुपए ले आऊंगी। लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। लाठी ये लो, बैठना। अच्छा। लेकिन आप मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैं आपकी आवाज पहचानती हूँ, मैं ये दरवाजा पहचानती हूँ। मुझे अंधी की कमाई ना मारिए सेठ जी, मेरा बच्चा बीमार है, दवाई के लिए कुछ। ये किसी हकीम की दुकान नहीं है, जाओ यहाँ से। सेठ जी सुनिए, सेठ जी, दरवाजे पर जो मेरी पूंजी लेकर मुकर गया। इस बच्चे को तो देख, अगर इसको कुछ हो गया तो अब ये इलाज के बिना नहीं बचेगा, और इसके साथ मैं भी उस बेईमान की चौखट पर सर पटक पटक कर जान दे दूंगी, ताकि भगवान और उसकी दुनिया देख ले कि हम गरीबों की जिंदगी के साथ कोई कैसे खेलता है। लीला, छोड़ दे, लीला, छोड़ दे, लीला। ओ सेठ, ओ सेठ, बाहर निकल, बाहर निकलो, देख मेरा बच्चा बिना इलाज के दम तोड़ रहा है, हाथों से निकला जा रहा है। ओ हत्यारे, तुझे क्या मिलेगा मेरी पूंजी छीन कर? मेरी दौलत तू अपने सीने पर रखकर नहीं ले जाएगा, ये दौलत यहीं रह जाएगी, तेरा पाप तेरे साथ जाएगा। बाहर निकल। तू फिर आ गई भिखारन, उठ भागी यहाँ से। आज मैं नहीं, मेरी और मेरे बच्चे की लाश उठेंगी यहाँ से। तूने तो कई गरीबों का खून पिया होगा ना, दो कौर से ही। मैं कहता हूँ चुपके से चली जाए यहाँ से, वरना धक्के देके उठा दूंगा। अरे तू क्या, तेरा भगवान भी मुझे जिंदा नहीं उठा सकता यहाँ से। आज मेरा बच्चा भी मरेगा इस चौखट पे, और मैं भी। जा, तू आराम से सो, आराम से सो जाके। तो क्या तू यही डेरा डाले पड़े रहेगी ढीठ? अब तेरा कुछ होने में कोई देर नहीं है सेठ। ले, ये दो चार आने और है मेरे पास, इन्हें भी ले ले, भर ले अपना खजाना, भर ले अपनी तिजोरी, ले। तू उठती है नहीं? बता, मुझे हाथ मत लगा। तू ऐसे नहीं जाएगी। छोड़ दे मुझे, मेरा बच्चा बीमार है। चलो। मुझे छोड़ दे। पन्ना, पन्ना, मेरा बच्चा पन्ना, कहाँ है तू? कहाँ है पन्ना? बन्ना, बन्ना,
पन्ना मेरा बच्चा, पन्ना पन्ना मेरा बच्चा, माँ जी माँ जी, पन्ना मिल गया बच्चा। माजी मेरा पन्ना मिल गया। पन्ना? अरे अभी तो फंस तक रहा है। अरे बंदा, अरे शामू, अरे किसी डॉक्टर को बुला, वैद को बुला, ये जल्दी जा, 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 जल्दी। हाँ हाँ, बुला लो डॉक्टर को, सब डॉक्टरों को बुला लो, पर मैं कहती हूँ कुछ नहीं होगा, नहीं बचेगा बच्चा। अब डॉक्टरों को बुला रहे हो क्योंकि तुम्हारा बच्चा मर रहा है, एक अमीर का बच्चा मर रहा है, एक सेठ का बच्चा मर रहा है। हाँ। भगवान के लिए चली जा, मेरे बच्चे को बचा। क्यों? अब मेरी बदुआ से डरता है तू? जब मेरा बच्चा मर रहा था तब क्यों नहीं डरा गरीब की आह से? तब क्यों नहीं डरा बेकस की आह से? तब क्यों नहीं डरा अपने सुन से? जमाईराज तुम अंदर चलो, पन्ना तो बिल्कुल बेसुध पड़ा है, चलो चलो। मेरा बच्चा दे दे सेठ, मेरा बच्चा दे दे, मेरे पैसे लगे थे, मेरा पन्ना दे दे सेठ, मेरा पन्ना दे दे। दरवाजा बंद कर दिया, मेरी पूंजी भी छीन लिया, मेरा बच्चा भी। लेकिन तू भी याद रख सेठ, मेरी आँख खाली नहीं जाएगी, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा ये महल मिट्टी में मिल जाएगा, तेरा परिवार उजड़ जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, भगवान के न्याय पड़ेगा तुझ पर और तेरी औलाद पर। नहीं नहीं भगवान, मेरी एक बद्दुआ भी मत सुनना, मेरी एक बात भी ना मानना भगवान। इस घर में मेरा बच्चा रहेगा, ये घर सदा आबाद रहे, ये महल रहती दुनिया तक बना रहे, यहाँ मेरा बच्चा रहेगा। भगवान मेरे पन्ना को जल्दी अच्छा कर दे, मेरी उम्र भी उसे लग जाए, मेरी उम्र भी उसे लग जाए भगवान। माँ को बुलाइए ना, इसकी माँ कहाँ है? इसकी माँ तो यही है पन्ना बेटा। व्हाट्स द मैटर? गुम हो गया था डॉक्टर साहब, एक भिखारन के पास रहा, उसे ही अपनी माँ समझता। तो अब देखते क्या है, अगर बच्चे की जान प्यारी है तो उसी को बुलाइए, ये बच्चा उसी से संभलेगा। वैसे मैं दवाई भेज देता हूँ। मैं अभी लाता हूँ सब, बेटे तू गाड़ी तैयार कर। जाओ सुनो बेटा, सुनो। अब क्या लेने आए? मेरे पास जो कुछ था वो तो तुम पहले ही ले चुकी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बहन, मेरा एक ही बच्चा है, मेरी जिंदगी की कमाई, मेरे बुढ़ापे का सहारा। तो मैं क्या करूँ? तुमने नहीं छीन ली मेरी मेहनत की कमाई, तुमने नहीं छीन ली मुझे अंधे की लाठी। मुझे माफ कर दो, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ बहन। बहन? मैं किसी की बहन नहीं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। इतनी कठोर न बनो बहन, मेरी झोली मेरे बच्चे के जीवन दान से भर दो। मैं कौन हूँ दान देने वाली? अगर भगवान को जानता है, अगर किसी देवता को मानता है तो जा, उसी के जाके पैर पकड़, उसी के सामने गिड़गिड़ा। मैं तो एक भिखारन हूँ, अंधी भिखारन। तुम भिखारन नहीं हो बहन, तुम तो देवी हो, मेरे साथ चलो, मुझ पे दया करो बहन। बहुत दया की है मैंने, इतनी ही दया का बहुत फल पा लिया मैंने, अब किसी और पर दया करने की मुझ में ताकत नहीं। मैंने बहुत दया की है, बहुत दया की है, लेकिन मुझ पर किसी ने दया नहीं की, ना भगवान ने, ना इंसान ने। चले जाओ सेठ जी, यहाँ से चले जाओ, दया और धर्म का नाम लेकर मेरे घाव ना कुरे दो, मेरे जख्मों को ताजा मत करो, चले जाओ यहाँ से। आ गई? नहीं माँ। अब क्या होगा माँ? मुझे माँ के पास
देखो इसी तरह माँ माँ कर रहा है। तो मैं क्या करूँ माँ जी, आप ही चली जाइए ना, औरत औरत के दुख को ज्यादा समझती है शायद कभी। तुम यहाँ बैठो। मैं जानती हूँ ये सब मतलब की रिश्तेदारी है, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी की नहीं हूँ, मुझे मेरे हाल पे रहने दो। सिर्फ न कर लीला, मैं तेरे पांव छूती हूँ। क्यों? और पूजने योग। पूजने योग बदनाम। मुझे माफ कर दे बेटी, क्षमा कर दे। पन्ना अभी आ जाएगी। ए पन्ना ले, तेरी माँ आ गई। बैठ बैठ जा पन्ना, बैठ जा मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा लाडला। मैं आ गई बेटी, मैं आ गई। तू कहाँ चली? पन्ना मेरा बच्चा, मैं आ गई। लीला तू चलो चलो माँ, अपने घर चलो माँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगा माँ। सुबह चलेंगे बेटा, सुबह चलेंगे, अभी तो रात है ना, अभी तुम सो जाओ। अच्छा सो जाओ। चलो डॉक्टर नहीं आया, अब तुम आ गई हो ना बहन, अब पन्ना जरूर ठीक हो जाएगा। इसे यहाँ लटा दो। कहो बेटी, पन्ना तो अब सो गया है, तू चल के थोड़ा सा खाना खा ले। लो बहन पिला दो। उठ पन्ना, दवा पी ले। पी ले बेटा। ना मैं कहती हूँ पी ले। बहुत भी दवा है। नहीं पिएगा तो फिर मैं जाती हूँ। चलो जरा मेरी लाठी देना। नहीं 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 नहीं, मैं पीता हूँ। चलो लेट लेट। माँ मुझे कहानी सुनाओ। ये जेवरात क्या आपके हैं? जी हाँ। राम सिंह मुलजमों को लाओ। मुलजम कौन? भीख मंगो का चौधरी और उसकी बीवी, इन जेवरात ने खूब फंसाया है उन्हें। आओ। ये हैं वो महाशय। माफ करना भैया, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि लीला ने दूसरा घर कर लिया। हाँ वो तो सती सावित्री है, सती सावित्री। और वो बच्चा? वो बच्चा उसका नहीं था सरकार, वो तो अंधी ने पाला। हाँ, था जी। अंधी? हाँ इसी मुए ने। नहीं सरकार, उसकी आंखों में दारू इसने डाला था। मगर लाए तो तुम थे जी। क्यों जी? अरे क्यों जी की बच्ची, तूने कहा था। चुप रहो जी। इंस्पेक्टर साहब मुझे इजाजत दीजिए, अगर जरूरत हुई तो मैं फिर हाजिर हो जाऊँ। आप जा सकते हैं। शुक्रिया सरकार, मुझे तो बक्सवाते जाइए। तुम दोनों अब 7 साल के लिए जाओगे। 7 साल? मजा चख लिया मुझे हथकड़ी पहनाने का, नशा उतर गया गहनों का कि नहीं? पहले 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 क्यों मारा था? मारा था कि मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी जान ले लूंगा। सिपाही ले जाओ इन्हें। जा रहे हैं सरकार, जा रहे हैं, कुछ नए नहीं आए हैं इसका नहीं मालूम सरकार मुझे। चल जाओ।
डॉक्टर कहता है पन्ना बिल्कुल ठीक है, अब कोई खतरा नहीं। भगवान उसे सलामत रखे। चलो अब मैं जाती हूँ। नहीं बहन, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कौशल्या रानी, तुम्हारे सुखी गृहस्थ में मुझे भागन की क्या जगह है, मुझे जाने ही दो। लीला, इस तरह घर छोड़ के न जा बेटी, न जा। मुझे रोको मत चाची। बहन, इसे अपना ही घर समझो। भैया, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि इस दुनिया में अमीर और गरीब ज्यादा दिन तक एक साथ नहीं रह सकते। रात और दिन भी तो थोड़ी ही देर के लिए मिलते हैं। लेकिन पन्ना, पन्ना, पन्ना जैसे मुझे पाकर तुम्हें भूल गया था, वैसे ही तुम्हें पाकर मुझे भूल जाएगा। भगवान इस घर को आबाद रखे, तुम लोग खुश रहो, सदा सुखी रहो। हेलो बहन, अपने रुपए तो लेती जाओ। नहीं भैया, मुझे रुपयों से कोई मोह नहीं। जिसके लिए रुपए जमा कर रही थी, जब उसे ही छोड़े जा रही हूँ तो ये रुपए मेरे किस काम के। ये रुपए भी तुम पन्ना को ही दे देना, उसी के लिए रहने दो। सुनिए। क्या है बाबू? इस बस्ती में एक लड़की रहती है ना लीला। जी हाँ। मुझे उसे मिलना है। लेकिन वो इस वक्त यहाँ तो नहीं। यहाँ नहीं? जी नहीं, उसका बच्चा बीमार है, वो एक सेठ के घर में है 2 दिन से। चलो बहन, मुझे वहाँ ले चलो जल्दी। तुम्हारा लीला से क्या रिश्ता है? मैं उसका पति हूँ, उसे घर ले जाने आया। लीला का पति? हाँ। आ भैया, जल्दी आ। ये रही लीला। मुंगिया? कौन है? लीला तुम्हारे स्वामी? स्वामी? नहीं लीला, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतने बस ठोकरें खाने पड़े। मैं तुम्हें घर ले जाने आया। घर? हाँ लीला, जाओ, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, ये लो। चलो लीला। मैं अपनी तमाम दौलत आपके कदमों में डाल दूंगा, इनके लिए मैं अपनी आंखें देने को तैयार हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, इनकी आंखें वापस आ सकती हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे मंजूर है डॉक्टर। लीला, एक बार अपने मुंह से कह दो कि तुमने मुझे माफ किया, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आप क्यों मुझे बार बार शर्मिंदा करते हैं? तकदीर का लिखा तो होकर रहता है, इसमें आपका क्या दोष? आप मुझे मिल गए, मेरी खोई हुई आंखें मुझे मिल गई, दुख के बाद सुख पाकर मैं अपने सब दुख भूल गई। तुम सचमुच देवी हो लीला,